न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। औरिया जनपद के प्रथम आगमन पर आज संकल्प यात्रा के साथ जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का आगमन हुआ। औरैया जनपद के कस्बा मुरादगंज में जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं व युवा क्षत्रिय ने राजा भैया का जोरदार स्वागत किया। राजा भैया को देखने के लिए क्षेत्र के हजारों लोग कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। जनसत्ता दल के जिला महासचिव देवेश सिंह चौहान उर्फ दीपू चौहान ने कार्यक्रम की मेजबानी की। राजा भैया के स्वागत करने वालों में जनपद के समाज सेवी सतीश सिंह सेंगर उर्फ गुड्डू सेंगर, असोलिया प्रधान मंटू सिंह चौहान प्रथा चंदन चंदनापुर के व पूर्व प्रधान हरि सिंह चौहान, अमन सिंह, आशु भदौरिया, सत्येंद्र सिंह चौहान, लोकेंद्र सिंह सेंगर, पंकज सेंगर, बबलू सिंगर, पूर्व प्रधान शिखर व गणेश सिंह चौहान के साथ सैकड़ों आसपास के युवा क्षत्रिय समाज के लोग एकत्रित हुए। राजा भैया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सन 2022 के चुनाव में आम आदमी किसान, गरीब मजदूर व युवाओं की आवाज उठाने के लिए जनसत्ता दल लोकतांत्रिक लगभग 100 सीटों पर विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। राजा भैया ने कहा कि मैंने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी बनाने से पहले अपने सभी साथियों को, इसमें सभी धर्म सभी जाति के लोग मौजूद थे, उनसे पूछकर पार्टी का गठन किया गया और हमारी पार्टी सभी का सम्मान करती है और क्षत्रियों ने हमेशा सभी जाति धर्म की रक्षा करने का काम किया है और उनके साथ हमेशा उनके सुख दुख में एक चट्टान की तरह हमेशा खड़े रहे हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं यह सभी को विश्वास दिलाता हूं। राजा भैया ने हमारे संवाददाता आशु भदौरिया के पूछने पर बताया कि मैंने पार्टी का निर्माण एक विशेष मकसद को लेकर बनाया है, जो कि मैं अपने भाषण में बता चुका हूं। गठबंधन को लेकर बोले कि सभी के लिए जनसत्ता दल के दरवाजे खुले हुए हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार राजा भैया जिंदाबाद, राजा भैया जिंदाबाद, हमारा नेता कहता हूं अपना पूरा पूरा आशीर्वाद देने सर 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 हर इसलिए मिला सर आपको, हर पार्टी में इसलिए मिला, भाजपा में इसलिए मिला, समाजवादी पार्टी में इसलिए मिला, क्या कारण था सर आपको जनसत्ता दल बनाना पड़ा सर? हमने कहा ना कि देखिए 25 वर्ष हो गए, 6 बार चुनाव जीते निर्दलीय, तो एक बदलाव की आवश्यकता अनुभव होगी साहब, क्या करा जाए आप? और ये चीज़ हमने अभी अपने भाषण में कही भी कि लोगों से राय ली गई, लोगों ने कहा कि नहीं अब आपका अपना दल होना, क्योंकि इस विचारधारा का विस्तार होना चाहिए इस आधार पर। सर जनसत्ता दल का सर 2022 में सर क्या रोल रहेगा, कहाँ सर पाएंगे सर जनसत्ता दल? हम अभी बता चुके हैं 100 से अधिक विधानसभा की सीटें हम सभी लोगों ने चिन्हित करी हैं जहां पे विधानसभा के, और उन्हीं के लिए आशीर्वाद मांगने आज निकले हैं जो भी प्रत्याशी होंगे जहां से भी होंगे। गठबंधन नहीं होता है, गठबंधन नहीं होता सर किसी पार्टी से, तो सर क्या स्थिति रहेगी सर? बहुत भारत माता की, भारत माता की। आज के खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस।